क्या आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 के आगे के एपिसोड को, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉबिन जो है वो पंडित जी से मिलने के लिए जेल पहुंचता है, जहां पर की बोन से गुजारिश करता है कि वो अपने लिए केस लड़े। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि वो यहीं पर खुश है और वो मेरे घर का ख्याल रखे क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। भाई दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्रिपाठी जी को होश आ गया है, मतलब कि वो कोमा से बाहर आ चुके हैं। तो कायन भैया के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर शरद ने उसे क्यों बचाया, जिस पर कि शरद उनसे कहता है कि मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं गुड्डू भैया को मार दूं या फिर मैं तुम्हें बचा लूं, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना और मैंने आपको बचा लिया। यहां शत्रुघ्न उर्फ छोटे जो है वो गोलू के पास कॉल करता है। यहाँ पर गोलू कहता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि छोटे जो है वो उसके प्यार में पागल हो गया था, जिस वजह से ही वो मारा गया है। तो यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू से कहता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी गलती थी, इसलिए अब वो बचकर रहे। तो वही आईजी दुबे ने जिस तरह से गुड्डू भैया को मारने की नापाक कोशिश की थी, उसमें गुड्डू भैया जो है वो बच निकले, जिस वजह से आईजी दुबे जी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो माधुरी भाभी की प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ जाती। लेकिन फिलहाल मीडिया जो है वो उनके ऊपर हावी हो रही है, जिस वजह से विरोधी भी उनका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए अब उन्हें कुछ ऐसा करना है कि वो मीडिया और जनता दोनों को ही खुश कर सके। तो वो आनंद के साथ प्लान बनाकर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फंड चाहिए था और उनके पास फंड की कमी है, इसलिए वो लोग यहाँ पर शरद से मिलते हैं। शरद से वो कहते हैं कि हमारे पास एक डील है जिससे तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी। गुड्डू भैया के ऊपर वो लोग पर्सनली अटैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब उन्हें थोड़े दिन दूर रहना होगा। तो शरद जो है वो माधुरी भाभी को लाला के बारे में बताता है, जो कि जेल में बंद है। वो कहता है कि अगर लाला हमसे हाथ मिला ले तो बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा और फंड की भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन माधुरी भाभी कहती है कि वो लाला को बेल नहीं दिलाएगी, क्योंकि उसके पास उससे भी अच्छा प्लान है। तो भाई जेल में सभी को काम सौंपे जा रहे थे। पंडित जी को किचन का काम संभालने के लिए कहा जाता है, जिसमें गेरुआ नाम का आदमी उसके साथ था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग पंडित जी से कहते हैं कि वो गेरुआ के साथ ना रहे, क्योंकि पिछली बार उसने एक वकील को बेरहमी से मार दिया था। लेकिन पंडित जी कहाँ डरने वाले थे। यहाँ दूसरी तरफ छोटे जो है वो घर में कम वक्त बिताता है, क्योंकि अगर वो घर में रहा तो उसे अपनी भाभी के साथ टाइम बिताना होगा बीबी की तरह, क्योंकि उसकी बीबी हमेशा उसके पास आने के बहाने ढूंढती है, और यहाँ पर छोटे उनसे दूर जाने के। और आगे हम कालीन भैया को देखते हैं, जिन्हें अफसोस हो रहा था कि मुन्ना मारा गया, क्योंकि वो भले ही मुन्ना को देर से समझने लगे थे, लेकिन वो उसे समझने लगे थे, इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। ये सुनकर दद्दा काकी भी कहते हैं कि उन्हें भी अपने छोटे बेटे के मारे जाने का दुख है, लेकिन वो गद्दी का हकदार तो बिल्कुल भी नहीं था, जबकि छोटे तो ये सारी बातें सुन रहा है और उसे बुरा भी लग रहा है। और यहाँ गोलू जो है वो कालीन भैया की इन्फॉर्मेशन जुटाने में लगी हुई है। उसके इन्फॉर्मेट चारों तरफ फैले हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कालीन भैया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम चला है। यहाँ पर पंडित जी जेल में किचन का काम करने लगे हैं, यहीं पर गेरुआ भी उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी उसे मारने की कोई कोशिश करता है तो गेरुआ उसे मार गिराता है, जिसके बाद गेरुआ पंडित जी के पास आता है और वो कहता है कि सारे वकील एक जैसे नहीं होते, मुझे मालूम है कि आप अच्छे हैं और मेरा काम अगर कोई कर सकता है तो वो आप ही हैं। यहाँ पर गेरुआ अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरी एक 9 साल की बच्ची थी, लेकिन कुछ बड़े लोगों ने मेरी 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिस वजह से मैंने उन सभी को मार दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बच गए हैं, और अगर वो जेल से बाहर नहीं निकला तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा केस लड़ें। और पंडित जी तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, इसलिए वो मान भी जाते हैं। यहाँ लाला के पास फिर से शरद का कॉल आता है और वो अपनी अफीम के व्यापार के बारे में बात करता है, लेकिन लाला कहता है कि अगर उसे बेल मिल गई तो उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो लाला की सिर्फ एक ही डिमांड है कि उसे बेल मिल जाए। अगर बेल मिल जाती है तो 50% की पार्टनरशिप वो शरद को दे देंगे। अगले दिन पंडित जी की पत्नी उनसे मिलने के लिए आती है और वो यहाँ पर उनसे भीख मांगती है कि वो अपने लिए केस लड़ ले, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं थी, इसलिए आपको एक बार अपने लिए केस लड़ना चाहिए। और वो उनकी बात मान भी जाते हैं और कोर्ट में वो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था, वहाँ जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था उन्होंने सब कुछ बता दिया था। तो कोर्ट यहाँ पर उन्हें केस लड़ने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद कटघरे में यहाँ पर पंडित जी एसएस मौर्य की पत्नी को बुलाते हैं। दरअसल में एसएस मौर्य की पत्नी का कहना ये था कि पंडित जी जो है वो एसएसपी मौर्य को ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पंडित जी उनसे सवाल करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपके घर कितनी बार आया था, तो यहाँ पर वो कहती है कि लगभग 10 से 12 बार। तो पंडित जी कहते हैं कि अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा होता तो आपके पति इस तरह से उसे घर में बुलाकर चाय नहीं पिला रहे होते। और थोड़ी देर में कोर्ट में यहाँ पर आईजी दुबे आ जाता है, जो कि पंडित जी की पूरी तरह से खिलाफ है। और आईजी दुबे को यहाँ पर माधुरी भाभी ने भेजा है, वो यहाँ पर बयान दे देते हैं और पंडित जी यहाँ पर फंसते चले जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि वो अपना केस ईमानदारी से लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो जज साहब अगले हफ्ते डिसीजन को सुनाने का फैसला करते हैं। अब जेल में लाला से मिलने के लिए उसकी बेटी सबनम आती है।
शबनम को यहाँ पर लाला बताते हैं कि वो लोग शरद से हाथ मिला रहे हैं और आगे का बिजनेस वही संभालेगा। लेकिन यहाँ पर शबनम कहती है कि शरद जो है वो बिजनेस करने लायक आदमी नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना ही है तो हम बिजनेस गुड्डू पंडित के साथ करेंगे, जिस पर कि लाला भी मान जाता है। और लाला यहाँ पर शबनम को उसका नंबर दे देता है। शबनम तुरंत ही उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। तो वही डिम्पी रॉबिन से कहती है कि इस घर में सभी लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं, पहले भैया ने और अब पापा ने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम भी अपनी मनमानी करें और अपनी लाइफ जी लें। अब यहाँ से गोलू जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि घर पर शबनम आई हुई है और गोलू शबनम को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करती है। यहाँ पर शबनम अपने अफीम के बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आई थी, लेकिन गुड्डू भैया ने तो साफ मना कर दिया था कि वो उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। जिस पर कि शबनम कहती है कि पिता ने कहा है कि आपके साथ बिजनेस ना किया जाए तो वो लोग शरद के साथ बिजनेस करेंगे। जिस पर कि यहाँ पर गुड्डू भैया मान जाते हैं और उन्हें इस डील के लिए आज रात ही काठमांडू के लिए निकलना था, जहाँ पर कि गुड्डू भैया और शबनम दोनों ही जाने वाले थे, गोलू यहीं पर रहने वाली थी। तो गुड्डू भैया और शबनम जो है वो काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद गुड्डू भैया वहाँ के डीलर से बात करता है। वो दरअसल में बहुत ही बड़ा आदमी होता है और यहाँ पर गुड्डू भैया उसे इम्प्रेस करके इस डील को अपने कब्जे में कर लेता है। डील कंप्लीट हो जाने के बाद गुड्डू भैया सारी बातें गोलू को बताते हैं और वो गोलू से ये भी कहते हैं कि वो लोग कल सुबह ही वहाँ पहुँचेंगे, आज रात वो यहीं पर रुकने वाले हैं। और रात को शबनम उसके पास आती है और खाने के लिए ऑफर करती है। रात को जब गोलू सो रही होती है तभी उसके इन्फॉर्मर का उसके पास कॉल आता है और वो उसे कालीन भैया के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर गोलू तुरंत ही गुड्डू भैया के पास कॉल करते हैं, लेकिन गुड्डू भैया तो शबनम के साथ खाना खाने में बिजी थे, इसलिए वो यहाँ पर गोलू का फोन नहीं उठाते हैं और वो दोनों आज रात साथ नहीं बताते हैं। यहाँ पर गोलू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे करना क्या है, और वहीं हम आगे देखते हैं कि उस इन्फॉर्मर के साथ छोटे मिला हुआ है और छोटे ने ही ये सारी प्लानिंग रची है। तो इस अटैकिंग प्लान के लिए गोलू अकेले ही निकलती है। सबसे पहले वो रॉबिन के पास जो पैसे थे वो सारे पैसे ले लेती है और तुरंत ही अपने अड्डे पर पहुंचती है, जहां पर कि उसके बहुत सारे लोग शामिल थे। यहां पर वो पैसे देकर उन्हें अपने साथ ले लेती है और अटैक करने के लिए तुरंत ही सिमान की तरफ निकलती है, जहां पर कि कालीन भैया को छुपा कर रखा गया है। ये लोग चोरी छुपे अंदर घुसना शुरू करते हैं, जहां पर कि ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, दो चार लोग ही थे जिन्हें वो लोग आराम से मार कर अंदर निकलते हैं। अंदर भी पहुंचने के बाद फिर से दो चार लोगों को मारने के बाद गोलू देखती है कि कमरे में कालीन भैया अकेले ही सो रहे थे, जबकि यहाँ पर तो हाई सिक्योरिटी होनी थी, जिस वजह से गोलू के दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो वापस पलटती है तभी यहाँ पर अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर गोलू के पूरे आदमी को मार दिया जाता है, क्योंकि बाहर से गोलीबारी बहुत ज्यादा तेजी से होने लगी थी। यहाँ पर गोलू पूरी तरह से डर जाती है कि अब करना क्या है, जिस वजह से अब तो वो रोने तक लगी थी क्योंकि उसे अपनी मौत दिखने लगी थी। तब वो हिम्मत जुटाते हुए ये फैसला करती है कम से कम वो कालीन भैया को तो मार ही देगी। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर छोटे जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो गोलू के ऊपर फायर कर देता है, जिस वजह से बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। यहाँ शुक्ला को ऐसा लगता है कि त्रिपाठी जी सिवान में सेफ नहीं है, इसलिए वो उन्हें अपने घर ले जाना चाहता है। यहाँ पर शुक्ला पूछता है कि आखिर गुड्डू भैया और गोलू में से कौन हमला करने के लिए आया था, लेकिन छोटे बताता है कि उन दोनों में से ही कोई नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ उनके आदमी आए थे। तो अब गुड्डू भैया काठमांडू से घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि कल रात से ही गोलू जो है वो घर पर नहीं आई थी, इसलिए वो पूछताछ करने लगते हैं और अपनी बहन के पास कॉल करते हैं, जहां पर कि उन्हें गोलू के बारे में मालूम करना था कि वो कहां पर है, लेकिन कहीं पर भी उसका अता पता नहीं चल पा रहा था। तब यहाँ पर गुड्डू भैया अपने ही साथ काम करने वाले एक आदमी को बुलाते हैं, जो कि कल रात यहाँ पर गोलू के साथ था। वो बताता है कि कल रात गोलू अपने कुछ लोगों के साथ किसी जगह पर अटैक करने की प्लानिंग बना रही थी, लेकिन उसे नहीं ले जाया गया। तो वही शुक्ला ने कालीन भैया को सिवान से सीधा अपने घर जौनपुर लेकर आ गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिवान में त्रिपाठी जी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तब यहाँ पर शुक्ला के पास कॉल आता है कि गुड्डू भैया जो है वो मिर्जापुर से जौनपुर की तरफ निकल चुके हैं और वो काफी गुस्से में भी लग रहे थे, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कालीन भैया के बारे में उन्हें मालूम चल गया है, जबकि बात ऐसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर गुड्डू भैया कालीन भैया के बारे में नहीं बल्कि गोलू के बारे में पूछने आए थे। और यहाँ पर गोलू के बारे में तो शुक्ला को कुछ भी नहीं मालूम है। वो कहता है कि अगर गोलू मेरे पास होती तो वो अब तक गोलू को तुम्हें दे चुका होता, और अगर उन्होंने गोलू को मार दिया होता तो तुम्हें वो लोग जौनपुर में कदम भी नहीं रखने देते। तो यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर कोई बैठे या फिर ना बैठे, लेकिन वो वादा करता है कि कोई शुक्ला मिर्जापुर की गद्दी पर नहीं बैठने वाला। तभी यहाँ पर मुनावर का कॉल आता है और वो यहाँ पर गरमाए हुए मामले को ठंडा करता है और दोनों से कहता है कि वो वापस जाए। और साथ ही यहाँ पर गुड्डू भैया ने शुक्ला को अपने बर्फी वाले बिजनेस के बारे में भी बता दिया था, जिस वजह से शुक्ला तुरंत ही लाला के पास कॉल करता है। लाला कहता है कि उसने तो कहा था कि बेल दिलवा दो, अगर उसे बेल मिल जाती तो वो उसके साथ बिजनेस कर लेता, लेकिन अब वो गुड्डू भैया के साथ बिजनेस करेगा। ये बात शुक्ला त्रिपाठी जी को बताता है। तो यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब वो लाला के साथ बिजनेस करते थे
तो उसका रास्ता था जलमार्ग। वो जलमार्ग से ही सारे स्मगलिंग करते थे। ये बात सुनने के बाद सुगला तुरंत ही ये सारी बातें पुलिस को बता देता है ताकि वो लोग वहां जाकर सब कुछ जब्त कर सके। तो वही शुक्ला ने माधुरी भाभी को 5 करोड़ की फंडिंग दे दी थी, जिस वजह से माधुरी भाभी के लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर दिया था और सारी जनता और मीडिया को अपने काबू में भी कर लिया था। यहाँ गुड्डू भैया का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि गोलू अभी तक नहीं मिली थी। उन्होंने मिर्जापुर का चप्पा चप्पा छान मारा है लेकिन गोलू का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मोबाइल नंबर को भी ट्रेस करने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए थी। यहाँ पर गुड्डू भैया बीना भाभी से कहते हैं कि अगर गोलू नहीं मिली तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो कहता है कि गोलू को बचाने के लिए वो गद्दी और बर्फी दोनों को ही दांव पर लगा सकता है। यहाँ पर बीना भाभी स्ट्रेस कम करने के लिए उसे पाउडर देती है। ये पाउडर बीना भाभी पहले मुन्ना भैया को भी दिया करती थी लेकिन यहाँ पर गुड्डू भैया ने बबलू से वादा किया था कि वो ये सब कुछ नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पर आखिरकार वो हार जाता है और वो नशा कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे के एपिसोड जल्द से जल्द ला सकूं। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।